डोनट किसको नहीं पसंद होता है, बच्चों को तो पसंद होता ही है, बड़े लोग भी इसमें कम नहीं है, उनको भी बहुत पसंद होता है डोनट। तो चलिए आप बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी डोनट बनाना सीखेंगे बिना किसी डोनट कटर को यूज किए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं डोनट। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने बेक करके डोनट बनाना बतलाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, जिसमें आप बिना फ्राई किए कैसे बेक करके हम लोग डोनट बनाते हैं वो सीख पाएंगे। आज भी हम लोग डोनट बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये डोनट बहुत ही इजीली आप बना पाएंगे। इसमें आपको कोई डोनट कटर की जरूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत मॉइस्ट बनेगा। और इसको आज हम लोग बेक करके नहीं बनाने जा रहे हैं, फ्राई करके बनाना सीखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रहा डोनट बनाने के लिए मेरे पास जो ईस्ट है, ये है मोहन इम्पैक्स का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इसी से आज हम लोग डोनट बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक कप, जो कि चाय वाला ही कप मैंने ले लिया है, गुनगुना दूध हम लोग बोल में ले रहे हैं, और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को इसमें डालेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच पाउडर शुगर। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को आपको, ये रहा तो एक बड़ा चम्मच पाउडर शुगर और 3/4 छोटा चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट छोटी चम्मच से। फ्रेंड्स, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को आपको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट आटे में मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग इसको फर्मेंट कर लेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास इंस्टेंट वाला भी है तो ज़रूर एक बार फर्मेंट करके देख लीजिए, कई बार हवा लग जाने की वजह से ख़राब हो जाता है और डायरेक्ट आटे में डाल देने के बाद काम नहीं करता है, पूरा आटा या मैदा आपका ख़राब हो जाता है, मेहनत भी ख़राब हो जाता है। तो पहले एक बार चेक कर लेना अच्छा रहता है, श्योर हो जाना अच्छा रहता है। इसको हम लोग ढक देंगे, अभी देखिए एक ढक्कन से, और ज़्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट के लिए। ये ईस्ट बहुत ही अच्छा है, 5 मिनट में ही बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने का क्या पहचान है, देखिए ऐसे फोम जैसा बन जाएगा ऊपर में, ठीक है, और बिल्कुल वो जैसे आप मिलाए थे तो दाना दाना था ना, वैसा नहीं रहेगा, फोम जैसा बन जाएगा। तो समझ जाइएगा कि हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है और इसको हम लोग अब आटे या मैदे में यूज़ कर सकते हैं। एक अंडा ले रहे हैं क्योंकि आज हम लोग अंडा भी डालेंगे, और एक अंडा, अगर आप अंडा खाते हैं तो एक बार अंडे से बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत फ्लफ़ी बनता है हमारा डोनट। और बिना अंडे का भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है पहले, तो वो वाला जाकर देख सकते हैं, वो फ्राई वाला है लेकिन उसमें अंडा नहीं डाला है। अब इसको हम लोग देखिए मिला ले रहे हैं। मिला लेने के बाद इसमें हम लोगों को अब डालना है कुछ और चीज़ें, जिसमें है हमारे पास मैदा जो कि है 200 ग्राम। यहाँ 200 ग्राम मैदा मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं इसमें मिल्क पाउडर 3 छोटे चम्मच भर के अच्छे से डाल दिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें एक बड़ा चम्मच फिर से पाउडर शुगर हम लोग डाल दिए हैं, इससे ज़्यादा शुगर और नहीं डालेंगे। अब मेल्टेड बटर हम लोग इसमें डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब बटर लें, अगर अनसॉल्टेड वाला ले रहे हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिएगा। मैंने सॉल्टेड बटर ले लिया है इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्ट नहीं मिला रही हूँ, इसी से सॉल्ट आ जाएगा इसमें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बटर की जगह ऑयल भी अगर है तो डाल सकते हैं, रिफाइंड तेल। अब इसको हम लोगों को मिक्स कर देना है, बटर से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, बस यही बात है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर देंगे, कुछ इस तरह से सारी चीज़ें मिल गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिला लेने के बाद इसको किचन सरफेस पे आप निकाल लीजिए रैक के ऊपर में, और अब यहाँ पे हम लोग इसको गूंदना है। अगर आपको मिलाने के टाइम पे थोड़ा गीला लगे तो आप थोड़ा सूखा आटा भी इसमें, सॉरी सूखा मैदा, हाँ मैदा का ही बना रहे तो मैदा डाल सकते हैं, सूखा मैदा डाल सकते हैं। और मतलब कि जब आप दूध डालेंगे तो जैसे मैंने 1 कप पूरा डाला, आप एक काम करिएगा इतने मैदे में थोड़ा सा कम डालिएगा, मतलब 3/4 कप जैसा डालिएगा, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग को समेट लेना है, समेट समेट के अभी इसको हम लोगों को स्ट्रेच एंड पुल मेथड से गूंधना है, ठीक है। तो इस तरह से गूंधना बहुत ज़रूरी है जब भी आप डोनट बना रहे होते हैं, इसी से ग्लूटन एक्टिवेट होगा आपके मैदे में, और जो कि टेक्सचर देगा फूला फूला स्पॉन्जी हमारे डोनट को,
तो ये मशीन बड़े बड़े मशीन में भी किया जाता है जहाँ पे डोनट या ब्रेड बनाने की मशीन होती है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं। हाथों से इस तरह से करके हम लोग गूंद लेंगे। मैं कैसे स्ट्रेच और पुल मेथड से इसको कर रही हूँ ये चीज़ आप देखिए। दूसरी बात, आपको समेटना है और फिर से करना है। कम से कम 10 मिनट आपका लग ही जाएगा, 10 से 15 मिनट आपका लग ही जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये कितना कम स्टिकी हो गया है। स्टार्टिंग में ये बहुत स्टिकी रहता है क्योंकि इसमें जब हम लोग ईस्ट डालते हैं तो कुछ देर ये बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है। उस टाइम में आप थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको गूंदते हुए कम से कम हमें 10 मिनट हो ही गया है, तो यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट इसी तरह से गूंदते रहना है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम स्टिकी अभी हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ही इजीली अब हाथों में हम लोग इसको उठा पाएंगे और यही पहचान है कि आपका आटा अच्छे से गूंद गया। अभी एक और पहचान है, ऐसे आप इसे स्ट्रेच करके देखिएगा। हम लोग पतला लेयर स्ट्रेच कर रहे हैं लेकिन ये इजीली नहीं टूट रहा है। मेरी उंगली भी देखिए पीछे नज़र आ रही है और ये बहुत ही अच्छा पहचान है कि हमारा आटा बहुत अच्छे से गूंद गया है और अब इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। हाथों में भी इजीली आ जा रहा है। तो यही इसी मेथड से आप भी क्या करिएगा, आटा गूंद लीजिएगा। इसके बाद एक बोल में हम लोग थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद हम लोग इस आटे को इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। देखिए एक गोल बॉल जैसा बना रहे हैं और इसको रख देंगे हम लोग यहाँ बोल में। अभी बोल में रख के इसको हम लोगों को 1 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद देखिए फूल कैसा डबल हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना फूल गया है देखिए, बस इसको पंच मार के इसका एयर निकाल लेना है और उसके बाद इसको हम लोगों को थोड़ी देर 3 से 4 मिनट गूंद लेना है जिससे कि इसका सारा एयर निकल जाए और ये थोड़ा फिर से नरम हो जाए। 3 मिनट कम से कम इसको गूंद लीजिए इसी तरह से, 2 से 3 मिनट। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये लगभग हमारा आटा अभी रेडी है। चलिए हम लोग इसको अभी निकाल लेंगे और डोनट के शेप में कट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम इसे बाहर निकाल चुके हैं और इसको थोड़ा गूंद भी लिया है। अभी आपको एक कट करने के लिए कुछ लेना है, जैसे ये मेरे पास है केक में यूज़ होने वाला स्क्रैपर, आधा आधा मैंने डिवाइड कर लिया दोनों को। देखिए इससे ना हम लोग को ईजी होगा डोनट कितना बड़ा बनेगा ये जानकारी लेने में। जैसे देखिए 2 भाग में मैंने किया, फिर एक को मैंने चिकना किया और उसके बाद इसका हम लोग 4 भाग निकालेंगे, मतलब दोनों का 4 4 भाग निकाल लेंगे ना, तो हमारा बिल्कुल सही डोनट का मिल जाएगा हिसाब। ये देखिए एक गोला से मैंने 4 निकाला और एक गोला से फिर 4 निकालेंगे, मतलब आधा आधा कर दिया था फिर उसमें से 4 4 निकाल लिया और बीच से हम लोग बहुत ही इजीली इसको माप करके काट सकते हैं। देखिए पहले एक भाग कर लें, इस तरह से हो जाएगा हमारा आधा और फिर उधर से एक भाग कर लें, तो इस तरह से हमें 4 भाग बराबर मिल जा रहा है। देखिए ये हो गया हमारा 8 डोनट यहाँ पे। और इसके बाद इस तरह से कुछ आपको ऐसे घुमाते हुए पीच अंदर की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ, फिर आपको ऐसे इसको राउंड शेप में हल्का इस तरह का डिज़ाइन देना। देखिए बिल्कुल राउंड, क्योंकि यहाँ कोई कटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस बीच में काटने के लिए आपको कोई ढक्कन वगैरह चाहिए होगा, जैसे ढक्कन ले लीजिए या ये मेरे पास है मतलब नोज़ल, केक वाला नोज़ल, तो कुछ भी आप ले सकते हैं ढक्कन वगैरह, बीच में से निकाल दीजिए और देखिए डोनट का शेप ले लिया है। कोई राउंड कट करने के लिए हमने कोई भी कटर यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर बटर पेपर मैंने ले लिया है, बटर पेपर के ऊपर ही एक एक करके हम लोग इसको रखेंगे। ये देखिए अब बटर पेपर के साथ भी एक प्रॉब्लम हुआ था जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती हूँ और वो सब चीज़ें छुपा लेती हूँ जो मेरे साथ गड़बड़ हुई थी, क्योंकि ये गड़बड़ फ्रेंड्स आपके साथ भी हो सकती है, इसीलिए मैं आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ अपने चैनल पर। अब बटर पेपर के साथ क्या हुआ था देखिए, ये मैं फिर से कट करने जा रही हूँ तो आप देखते रहिए और सुनते रहिए मैं क्या बोल रही हूँ। बटर पेपर में रखने के बाद जब प्रूफिंग का समय हम लोग आधा घंटा दिए थे फिर से फूलने का समय, उसके बाद जब मैं तेल में उसको फ्राई करने जा रही थी ना, तो वो बटर पेपर में नीचे से भी चिपक गया था। तो ये चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था जिसको मैंने बहुत ही आराम से फिर निकाल निकाल के फ्राई किया।
ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बटर पेपर तो आप यूज़ करिए लेकिन उसमें ऑयल भी लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप रखने जा रहे हैं ना, उसके पहले ब्रश से ऑयल अप्लाई कर दीजिए, उंगलियों से कर दीजिए, थोड़ी अच्छी मात्रा में ऑयल अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, बटर पेपर के ऊपर भी। और उसके बाद इसमें रखिएगा डोनट अपना कटा हुआ, बनाया हुआ डोनट, क्योंकि जब इसको प्रूफिंग का समय हम लोग आधा घंटा देंगे ना, तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ कि वो स्टिक हो गया था थोड़ा बाद में, जबकि वो बटर पेपर उसको स्टिक उस तरह से नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया था क्योंकि इतना अधिक फूला था ये। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फिर से हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं और ऐसे ही आपको सारा कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा आठ बन गया है, बीच से जो निकला था ना हिस्सा उसी से एक और बन गया, तो मतलब सॉरी आठ तो था, नौ बन गया है। हाँ नौ बन गया है यहाँ पे। अब इसको हम लोगों को ढक देना है और ढक करके आधे घंटे के लिए हम लोग को इसको प्रूफिंग का समय फिर देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आधे घंटे के बाद आप देखिए कितना अच्छा फूल गया है। ये देखिए आधे घंटे के बाद कितना अच्छा डबल डबल फूल गया है हमारा डोनट, और फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हम लोग तेल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, ठीक है, वरना डोनट ना पकने से पहले तुरंत लाल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल हल्का तेल आपका गर्म होना चाहिए। उसमें आपको बहुत ही ईजीली डोनट को डालना है और इस तरह से हम लोग डोनट को डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स जब एक तरफ आपका हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप दूसरी तरफ इसको पलट दीजिएगा और उसके बाद दूसरी तरफ भी इसको आपको फ्राई करना है। तो देखिए बिल्कुल कितना सही कलर इसमें आया है, बस आपको निकाल लेना है और इसके बाद आपको बाकी बचा हुआ भी ऐसे ही फ्राई कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि पीछे हल्का सा सटा था, जिस वजह से आपको पीछे का इसका जो टेक्सचर थोड़ा सा अलग दिख रहा था, वो आपके साथ ना हो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर में ज़रूर आप ऑयल लगाइएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा डोनट तैयार हो गया। निकालने के बाद आप इसको किसी पेपर पर रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व कर ले। और देखिए कितना फूला फूला डोनट बना है। यहाँ पर आप चॉकलेट से ग्लेजिंग कर सकते हैं, यहाँ मैं पाउडर शुगर से कर रही हूँ। देखिए यहाँ पाउडर शुगर लगा दिया है, आप चाहें तो वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट किसी से भी ग्लेजिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमने बनाया बहुत यम्मी यम्मी डोनट, फूला फूला बहुत सॉफ्ट बनता है, ट्राई करना बनता है। फ्रेंड्स देखिए तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ और आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरह का हमारा डोनट बना है। ये डोनट मेरे पास ज़्यादा रुका नहीं, बहुत जल्दी बच्चे इसको खा के ख़त्म कर दिए और हम लोगों को भी बहुत पसंद आया। तो ये देख सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी था और इसका टेक्सचर अंदर से देखिए कितना अच्छा फूला फूला स्पॉन्जी बना है। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल में और भी डोनट की रेसिपी है, उनको भी जा करके ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल पाई होगी। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम लोग नई रेसिपी बनाना सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।